केशवाय नमः केशव पुनातु माधवाय नमः माधव पुनातु नारायणाय नमः नारायण पुनातु हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः चंद्रनिष्ठ महत्पूर्ण पवित्र पापनाशनम महाविदम मर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम त्र्यंबकं भजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वरवारकमेव वंदनान मुक्त्योर्मुखीयमामृता ओम अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि चंद्रमानसो जात चक्षो सूर्यो जात तद्वायुष प्राणस्य मुखाग्निरजायत आरारतज्ञं समर्पयामि गिरेण शीतलीकरणं ॐ हस्तो प्रक्षाल्य ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं गिर्वगं स्वस्तये ओम नैवेद्यं नैवेद्यमामि समर्पयामि ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानंदरूपाय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः माल्यार्पण की श्रृंखला में हम निवेदन करेंगे श्रीमान श्रीकांत शुक्ल जी श्री हरिशंकर पांडे जी डीके सिंह जी आप मंच पर आकर पूज्य महाराज श्री को पुष्पहार से अलंकृत करें आशीर्वाद प्राप्त करेंगे खड़े हो जाएं, श्रद्धा भक्ति के साथ हम सभी दिव्य पावन आरती करेंगे आर्त भाव से तदुपरांत पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी से पावन शिव महापुराण के दिव्य गाथा का हम सभी पान करेंगे अपने जीवन को प्रताप करेंगे आइए हम सभी श्रद्धा भक्ति के साथ पावन आरती चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत शिवपुराण शिवजी की आरती कीजिए शिवचरणों में ध्यान अपना दीजिए शिवपुराण शिवजी की आरती रस पीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव
चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हर भूर गरम करुणावतारम संसार सारम भुजिए द्वार सदा वसंतम हृदय अरविंद भवम भवानी सहितम तुमेव माता जबिता तुमेव तुमेव बंधु चंद्रका तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम पर बैठ जाओ। जो नहीं पधारे हैं उन सभी भक्तों से हम निवेदन करेंगे कि आप सब अपने जीवन की अमूल्य समय को सार्थक करने के लिए शिव महापुराण के दिव्य पावन गाथा का आप सब सरस पान करें। इस पावन महीने में भोलेनाथ के दिनों में भगवान भोलेनाथ के दिव्य पावन कथा सभी भक्त भोलेनाथ से केवल यही एक निवेदन करें, प्रभु निष्कपट निश्चल मन वासना से मुक्त हो जाए हमारा मन और आपकी कथा हम सबके हृदय में अस्थाई रूप से स्थापित हो। आप सबका ये पावन पुष्प हम सबके जीवन को सुगंधित कर सके ऐसा मेरे मन को मेरे जीवन को बनाए। इस मेरे जीवन को सार्थक करने का ये जो परम और प्रबल मार्ग है इसको मैं पा सकूं, अपने जीवन को पवित्र बना सकूं, ऐसा भोलेनाथ से निवेदन आप सभी भक्तों की तरफ से पूज्य महाराज श्री से हम निवेदन करेंगे कि बिना विलंब किए आज इस कथा के द्वितीय सत्र का अपनी अमृतमय वाणी से प्रवाह शुभारंभ करें जिससे हम सबका हृदय भक्ति से उत्प्रोत हो, हम सबका भक्ति मार्ग प्रशस्त हो। पूज्य महाराज श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अश्वमदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटातलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपत भज विश्वनाथ उल्लंग सिंधोशलिलम सलिलम यह शोकवहनी जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहलंकार नमामि तं प्राञ्जलराञ्जने। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचित्तचोर प्रभु जय जय माखनचोर। राधे तो बड़ भागिनी कवन तपस्या की तीन लोक तारण तरण सो तेरे वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को यहाँ डाल डाल रूपात पर राधे राधे हो राधे राधे विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोंकारमूलं तुरीयं किराजान गोती कल्लोलिनी चारु गंगा
काष्ठकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शिव महापुराण की जय। महाकाल सरकार की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा करुणालय भक्तवान शाह कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान परमपिता परमात्मा भूत भावन भोलेनाथ अवतरदानी की विशेष कृपा के फलस्वरूप श्री महापुराण की पावन कथा के इस प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताओं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इस महायज्ञ में उपस्थित आचार्यगणों आत्मीय संगीत के आचार्यों की पावन उपस्थिति में हम आवश्य बड़े ही आनंद के साथ शिव महापुराण की पावन मंगलमय अमृतमय कथा सुधा का रस स्वादन करने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हैं। आए शिव कथा की इस पावन महिमा में का हम आप सब श्रवण करें उससे पूर्व अपने मन वाणी अंतःकरण को पावन करने हेतु दो बार भगवान श्री श्याम सदाशिव के नाम का पावन उच्चारण करें। मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करते हुए शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा सुधा में हम आप सब गोता लगाएं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हरे हरे बोले हरे हरे बोले हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले हरे हरे बोले हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले हरे हरे बोले हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः Oh,
पर करके मस्ती में झूमते हुए बालक सेवा करते हुए देव महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हम आप सब भूत भावन भोलेनाथ की पावन इस मंगल में शिव पुराण की कथा के लिए अपने मन को एकाग्र करें। देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए एकाग्रचित होकर के शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा का रस स्वादन करें। भगवान की बहुत महती कृपा है काशी विश्वनाथ भगवान की, जो हम आप सब शिव पुराण की पावन मंगलमय कथा श्रवण हेतु इस कथा के प्रांगण में आज उपस्थित हैं। कल के प्रसंग में हम आप सब शिव महापुराण के महात्मा आदि की चर्चा करते हुए श्रावण महीना क्यों इतना पुनीत माना गया, पूरे सावन महीने में शिव जी की आराधना, शिव जी की उपासना, शिव जी का व्रत, महारुद्राभिषेक, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप, भक्तगण, साधु संत महात्मा ऋषिगण क्यों करते हैं आदि इन सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए भागवत महात्म्य की चर्चा में हम आप सबने श्रवण पान किया कि शिव महापुराण किस पावन कथा से जो अधोगति में जीव चला जाता है, जो महाप्रेत बनता है, पिशाच बनता है, ऐसे पापियों का भी उद्धार, ऐसे पिशाच दैत्यों का भी उद्धार, प्रेतों का भी उद्धार इस शिव महापुराण की कथा से होता है। कल हम आप सब बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ शिव महात्म्य की कथा में इन प्रसंगों का रस स्वादन किए। देवराज नाम के ब्राह्मण का उद्धार हुआ, बिंदुंग नाम के ब्राह्मण का उद्धार हुआ जो जाकर के विंध्य पर्वत पर महापिशाच बन गया था, और उसकी जो पत्नी थी चंचुला जिसने अपने धर्म का परित्याग करके धर्म अन्याय के पथ पर अपने जीवन को प्रशस्त किया, वो पार्वती जी की सखी जाकर के शिवलोक में बनी। इन आदि दिव्य विषयों की चर्चा हम आप सब कल श्रवण पान किए थे। आज का ये पावन जो प्रसंग है सज्जनों में, ये शिव कथा हम आप सुन रहे हैं। सच बताऊं शिव का क्या अर्थ होता है, शिव माने क्या होता है। शिव महापुराण में सूत जी ने ऋषियों से कहा शिव का सीधा सा अर्थ है शिव माने कल्याण।
भगवान शिव कल्याणकारी देवता है। तो मुझे लगता है कि हम आप सब कल्याणकारी शिव जी की जो कथा सुन रहे हैं, ये शिव महापुराण की कथा भी हमारे आपके जीवन का कल्याण ही करेगी। बोली भक्तों से भगवान। और सच तो यह है, चाहे देवी भागवत की कथा सुने, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा सुने, चाहे शिव पुराण की कथा सुने या राम कथा सुने, जितनी भी कथाएं संसार सागर में गाई जाती हैं पुराणों की, शास्त्रों की, विद्वानों की मति अनुरूप, सारी कथाओं से हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। परंतु आज हम आप सब इस शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो आज परम कल्याणकारी कथा शिव महापुराण की कथा से हमारे आपके सबके जीवन का अवश्य ही कल्याण होगा। करना क्या है? केवल एक काम हमको आपको करना है, ये शिव कथा हमारे आपके जीवन में कल्याण करे, हमारे आपके जीवन को धन्य करे। बस हम आप सब शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए दो घंटे ढाई घंटे का समय दिन में, दो ढाई घंटे का समय जो रात्रि में मिला है, सारे गृहस्थी के समस्त कार्यों का परित्याग करें और भगवान की पावन मंगलमय कथा का श्रवण पाठ करें। निश्चित ही हमारे आपके जीवन में ये शिव महापुराण की कथा कल्याण की वर्षा अवश्य ही करेगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो मुझे लगता है ये शिव पुराण एक कल्याणकारी पुराण है, तो आज इस कल्याणकारी कथा के पावन प्रांगण में हम आप सब बैठे हैं। विशेषतः सज्जनों, शिव पुराण की कथा हमारे आपके जीवन में कल्याण प्रदान करने वाली है। कथा के माध्यम से हम आप सब अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। जीवन का कल्याण का क्या है? ये मानव जीवन मिला है, इसकी सदगति हो जाए, मानव जीवन पाकर के हम आप सब शिवलोक को प्राप्त हो जाए, वैकुंठ को प्राप्त कर ले, भगवत चरणारविंदों में हमारे आपके जीवन को समर्पित हम आप सब कर दे अपने जीवन को, हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। हम आप समझते हैं अधिक धन आ जाए तो कल्याण है, हम आप समझते हैं बढ़िया मकान बन जाए तो जीवन का कल्याण है, रहने के लिए प्रपंच आदि की व्यवस्था हो जाए तब जीवन का कल्याण है, परंतु नहीं। जब तक ये जीव मानव तन पा करके इस भाव सागर को पार नहीं करता है, तब तक इसके जीवन का कल्याण होता ही नहीं। शास्त्रों में विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया है कि जीवन का कल्याण कब है, मानव तन पा करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लो, शिवधाम को प्राप्त हो जाए, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। और जिन मनुष्यों के जीवन में भगवान धाम की प्राप्ति नहीं होती है, उनके जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। याद रखना, मानव तन पाकर के अगर भगवान का परम धाम नहीं मिला तो हमारी आपकी सबकी अकाल मृत्यु हो रही है, याद रखिएगा। हम आप ये समझते हैं ना कि अधोगति उसी जीव की होती है जो अचानक में किसी दुर्घटना में ग्रसित हो जाए, या दुर्घटना के अलावा युवावस्था में शरीर छूट जाए तो लोग कहते हैं इनकी अधोगति हो गई, ये जल में डूब गए अधोगति हो गई, अग्नि के ताप से जल गए अधोगति हो गई, रास्ते में कहीं जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया, इनकी अकाल मृत्यु हो गई। परंतु धर्मशास्त्रों ने इसका खंडन किया है। धर्मशास्त्रों ने तो ये कहा है कि मानव तन पाने के बाद अगर ये जीव भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर लेता, शिवलोक की प्राप्ति नहीं हो पाती है, संसार के जितने भी मनुष्य हैं चाहे अपनी मृत्यु ही क्यों ना मरे, सबकी अकाल मृत्यु हो रही। बोले भक्तवत्सल भगवान। आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। भागवत महापुराण में व्यास जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसका निरूपण किया है कि निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम अप्लवम सुकल्पम गुरु करण धार।
मयानुकूले ननभस्तरेति पुमान भवाधि नतरेत आत्मा पुमान भवाधि नतरेत आत्मा। व्यास जी महाराज ने भागवत आदि ग्रंथों में कहा, भगवान ने पहली कृपा हमारे आपके सर के ऊपर कर दी है, ये बढ़िया सुंदर मनुष्य का तन मिल गया। ईश्वर की सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा मानवतन, लेकिन मानवतन पा करके हम आप सब संसार के प्रपंच में ऐसे फंस जाते हैं ना। घर गृहस्थी का कार्य ना छोटे दो घंटे का समय कथा प्रांगण में नहीं दे पाते। जितने भक्त यहां उपस्थित हैं सब सौभाग्यशाली हैं, परंतु सच बताऊं जिनके सर पर पाप आकर के चढ़ जाता है ना, पाप आकर के विराजमान हो जाता है, दरवाजे पर कथा होती है और लोग घर में बैठ करके प्रपंच करते हैं, बोली भगवत भगवान घर से बाहर नहीं निकल पाता। सीरियल चलेगा लेकिन कथा पांडाल में नहीं बैठे। याद रखना, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहा, जैसे जर के ताप से मुख भसम हो जा, मुख भसम हो जा। जब पूर्व जन्म का पाप मनुष्य के सर पर आकर के जब विराजमान हो जाता है, बैठ जाता है ना, तो गांव में कथा होती है, लोग चौराहे पर बैठ करके प्रपंच करते हैं, घर में बैठ करके दुनिया भर की प्रपंच करेंगे, परंतु कथा के पांडाल में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। याद रखना, मनुष्य के जीवन की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि भगवान ने ये दे दी सज्जनों, ये सुंदर मनुष्य का तन मिल गया बिना किसी प्रयास के, बिना मेहनत के। इसके बदले मानव तन की प्राप्ति के बदले में हमने आपने परमात्मा को कुछ दिया है? याद रखना, कुछ नहीं दिया। मानव तन प्राप्त करने के बाद एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए आज की इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में सज्जनों सबसे पहले जाकर के शिक्षा ग्रहण करो। अब आज की शिक्षा व्यवस्था व्यवसाय पूरा बन गई है, कम से कम फर्स्ट क्लास से लेकर के बीएड बीटेक तक डिग्री प्राप्त करो, एक एक रुपए माता पिता अगर कैलकुलेशन करे कितना खर्च हुआ, 200 लाख खर्च हो जाता है। 20 लाख रुपए की शिक्षा ग्रहण कीजिए पहले, खर्च करके नौकरी संभव नहीं है कब तक जब तक 10-20 लाख रुपए घूस की व्यवस्था ना हो। 50 लाख रुपए खर्च करके 25-30 साल की उम्र में आपने एक छोटी सी नौकरी प्राप्त की, ईमानदारी और मेहनत की अगर कमाई हो, बेईमानी न किया जाए, अपने पद पर बैठ करके पद का दुरुपयोग न किया जाए, कितना कमाओगे? छोटी सी नौकरी से मात्र अगर आपकी कमाई होगी 10 करोड़, 50 लाख रुपया फिक्स कर दिया जाए तो 60 साल तक वैसे 10 करोड़ हो जाएगा। बोले भगवत भगवान मिला क्या आपको? छोटी सी नौकरी पाने के लिए इतना धन, इतनी व्यवस्था, इतने लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, परंतु याद रखना भगवान ने इतना बड़ा ये मानव तन, इतनी श्रेष्ठ उपलब्धि, इसकी कीमत अगर हम आप सब बैठ करके इस पांडाल में अगर तय करें तो मुझे लगता है कम से कम खरबों की संपत्ति एक तरफ, और खरबों की क्या, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दी जाए सज्जनों, और मानव तन छूट जाने के बाद दोबारा मिलेगा असंभव। इतना श्रेष्ठ धन, इतना बड़ा धन सज्जनों, जो दुनिया की दौलत से भी श्रेष्ठ है, भगवान ने बिना मांगे बिना प्रयास के हमको आपको प्रदान कर दिया। ये ईश्वर की पहली कृपा, और मानव तन पाने के बाद दूसरी कृपा भगवान ने क्या किया है? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। थोड़ा सा भी अगर हम आप प्रयास कर लें तो हमारे आपके जीवन में सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति भी हो जाए, क्योंकि बिना गुरु के जीवन का कल्याण होगा ही नहीं। हमारे आपके जीवन का ही कल्याण नहीं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन का कल्याण बिना गुरु के नहीं हुआ तो हम आप कहां गए? इसीलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन
याद रखना, स्वयं विरंजमान ब्रह्मा शंकर के समान अगर हो जाओगे तब भी बिना गुरु के हमारे आपके जीवन का कल्याण है। ईश्वर ने दूसरी कृपा किया, संसार सागर में थोड़ा सा प्रयास करें तो हमारे आपके जीवन में कोई सच्चा श्रेष्ठ सद्गुरु भी हमको आपको प्राप्त हो सकता है। परंतु अगर कहीं हम सब अभिमान में और लोगों के बहकावे में फंस गए ना, तो सद्गुरु नहीं फिर कुमार्गी गुरु की प्राप्ति हो जाती है। कितने लोग टेलीविजन के चक्कर में ऐसे फंस गए कि आज हाथ मल मल कहीं पछता रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे गुरु को उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया कि उसका नाम भी समाज के सामने खड़े होकर के किसी के बीच में नहीं ले सकते। कारण हमने आपने उनके स्वभाव को नहीं देखा, हमने आपने उनके जीवन को नहीं देखा, हमने आपने उनके चरित्र को नहीं देखा। देख क्या लिया कि बस टीवी पर वक्तव्य आ रहा है, विदेशों में करोड़ों की संपत्ति है, बस इनसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा। याद रखना, पहले हमारे आपके समाज में, हमारे आपकी संस्कृति में, सनातन धर्म में गुरु पद पर वही प्रतिष्ठित होता था, उसी का हम आप सम्मान करते थे जो सर्वस्व त्याग करके जिसके पास कुछ नहीं होता था। श्रेष्ठ संत समाज का वही कहा जाता था जिसके पास कुछ न हो, सबसे बड़ा त्यागी, सब त्याग करके जो घर परिवार गृहस्थी से प्रपंच से दूर होकर के किसी आश्रम में जाकर के अपने जीवन का निर्वहन करता था, वो श्रेष्ठ संत कहा जाता था। आवाज जितना बड़ा प्रपंच जिसके पास है वो उतना बड़ा महात्मा कहा जाता है। याद रखिए, हमारे यहाँ गांव में कहावत है ना, किसी गुरु का वर्ण करो तो पहले उसके स्वभाव को भली भांत पहचानो, उसके जन्म से लेकर के कर्म तक उसने अपने जीवन में क्या क्या कर्म किया है, क्या कर्म उसके जीवन में हो रहा है। पीठ पीछे से जब तक हमको उसकी जानकारी न प्राप्त हो तब तक उसको गुरु के रूप में हमको आपको वर्ण नहीं करना चाहिए। शर्त यह है कि गुरु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। परंतु हम लोग ब्राह्मण होकर के भी गए और ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में फंस गए कि हमारे आपके जीवन का उद्धार कैसे होगा। हमारे यहाँ गांव में बुजुर्गों ने कहावत कही है, गुरु करें जान के और पानी पिए छान किया। पहले जान लो उनके जन्म से लेकर के कर्म तक की सारी दशा, उसके बाद वर्ण करो। और विशेषता सज्जनों ब्राह्मण होना चाहिए, जिस ब्राह्मण के वाणी पर, जिस ब्राह्मण के कर्म पर, जिस ब्राह्मण के स्वभाव पर आपको बढ़िया निष्ठा हो, विश्वास हो, उसी को आप वर्ण करो। क्योंकि बिना गुरु के किसी के जीवन का कल्याण होता नहीं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, श्रेष्ठ सच्चा सद्गुरु हमको आपको सबको हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए। ये ईश्वर की, परमात्मा की हम आप मनुष्यों के ऊपर दूसरी कृपा है। और तीसरी कृपा भगवान ने क्या किया, तीसरी कृपा ये किया, इस भाव सागर को पार करने के लिए जिधर से हमको आपको जाना है सज्जनों, ना भगवान ने ऐसी कृपा की है कि पीछे से हवा का सहारा भी दे दिया। जो लोग साइकिल चलाते होंगे उनसे पूछिए जाके, अगर सामने से उल्टी हवा आ रही हो, हमको आपको साइकिल चला करके कहीं सुदूर जाना हो और सामने से उल्टी हवा का झोंका रहा हो, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। साइकिल का चक्का हिलता नहीं सामने से उल्टी हवा आ जाए। परंतु ईश्वर ने जो कृपा की है, इस भाव सागर को पार करने के लिए जिधर से जाना है पीछे से हवा का सहारा मिला है, पीछे से हवा का झोंका। फिर भी अगर हम आप सब मानव तन पा करके श्रेष्ठ गुरु की शरण को ग्रहण करके पीछे से परमात्मा के द्वारा हवा का सहारा प्राप्त करके अगर इस भाव सागर को पार न कर सके, तो संतों ने कहा हम आप सब आत्मघाती हैं, आत्महत्यारे हैं, हमारी आपकी सबकी अकाल मृत्यु हो रही है। ये मत समझ लेना कि अकाल मृत्यु आकस्मिक मृत्यु को कहा जाता है। मानव तन पा करके जितने लोगों ने भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं करी है सज्जनों, उन सब की हमारे धर्म शास्त्र कहते सब की अकाल मृत्यु हो। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धार अमयानुकूलेन नभस्तरेति पुमान भवाब्धि न तरेत आत्मा। हम सब आत्मघाती हैं, आत्महत्यारे हैं। सच बताऊं जो बात श्री महापुराण में
सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भागवत महापुराण में व्यास जी ने वर्णन किया है, और उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बड़े अच्छे ढंग से निरूपित किया। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पार, ते मति मंदक मंद मति आत्मा हनि गति जा, आत्मा हनि गति जा, ते मति मंदक मंद मति। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो महामूर्ख है। कल चर्चा हो रही थी ना, डिग्री प्राप्त कर लेना विद्वता का लक्षण नहीं है। विद्वता जीवन की कब होगी, ज्ञानी हम आप कब बनेंगे, हमारे आप के जीवन में विद्वता कब आएगी, जब हम आप सब इस भवसागर को पार करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा व्यवस्था से अब केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है, धन संग्रह। धन कैसे एकाग्र किया जाए, माता पिता अपने बालकों को बुला करके ही शिक्षा देते, कैसे कुछ भी करो बस धन की आमदनी होती रहे, और विद्यालय में भी हम आप जाकर की जो शिक्षा पा रहे हैं उसका भी एक लक्ष्य रह गया। कहां पहले ये कहा जाता था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन जिसके जीवन में प्राप्त हो जाए दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धन पा गया। और आज विद्या से विद्या की प्राप्ति करके केवल ये संसार के तुच्छ धन को प्राप्त करना ही रह गया। पहले की विद्याओं से सज्जनों हमारे आपके जीवन और हमारे आपकी संस्कृति का संवर्धन होता था। माता पिता परिवारी जन इष्ट मित्र साधु संतों महात्माओं ब्राह्मणों के आदर सम्मान की शिक्षा पद्धति बढ़ाई जाती थी, व्यवस्था बताई जाती थी, अतिथि की सेवा कैसे करनी चाहिए, माता पिता का ध्यान कैसे रखना चाहिए, साधु संत दरवाजे पर आ जाए उसका क्या सत्कार होना चाहिए, किसी ब्राह्मण का कैसे आदर सत्कार करें, ये शिक्षा व्यवस्था में हमको आपको व्यवस्था बताई जाती थी। अब आज केवल एक लक्ष्य रह गया है, धन का अर्जन होकर। याद रखिएगा, धन के अर्जन की प्राप्ति की गई शिक्षा ये मनुष्य के जीवन में मूढ़ता प्रदान करती है। ते मति मंदक मंद मति, और मूर्खों में महामूर्ख है जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके केवल धन अर्जित किया है, जिन्होंने बीएड और बीटेक की डिग्री प्राप्त करके केवल धन को लक्ष्य बना लिया जीवन का, जिनके जीवन में धर्म कुछ रह ही नहीं गया, जिनको श्री महापुराण की कथा से, राम कथा से, भागवत कथा से और ये रुद्राभिषेक आदि सावन के दिव्य महामहोत्सव से कोई मतलब नहीं, ऐसे संसार के जितने जीव हैं, ते मति मंदक मंद मति आत्मा गति हनि जाए। गोस्वामी जी कहते वो आत्मघाती हैं, अपनी हत्या स्वयं कर रहे हैं। करना क्या है, श्री महापुराण की कथा सुनो, राम कथा सुनो, भागवत कथा सुनो, जिससे हम आप सब इस भाव सागर को पार कर जाए। बस आ करके आप इस पांडाल में बैठ जाओ, भगवान शिव की इसी कृपा होगी हमारे आपके जीवन का सबका कल्याण, क्योंकि ये राम कथा, ये शिव कथा, ये भाव सागर पार करने के लिए एक नौका है, नौका। इसीलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि भव सागर छह पार जो पार, पार जो पार कथा, ये राम कथा, ये श्री महापुराण की कथा, ये भव सागर पार करने के लिए नौका है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसी वैसी नौका नहीं, कैसी नौका है, दृढ़ नावा, दृढ़ माने विश्वास की नौका है। और हम आप सब श्री महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं,
शिव का एक अर्थ होता है कल्याण और दूसरा अर्थ होता है विश्वास। शिव को हमारे धर्म शास्त्रों में विश्वास कहा गया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती जी को श्रद्धा और भूत भावन भोलेनाथ को विश्वास। याद रखिए राम कथा के पांडाल में क्यों लाकर के बैठ जाओ। ऐसी विश्वासी नौका है ना कि आपको ये भवसागर से पार करा के ही दम लेगी। बोली भक्तवत्सल भगवान। संसार की नाव हमको आपको सबको सजनों डुबा सकती है। हम आप जाकर के किसी नाव में बैठ जाएं तो हो सकता है हमारी नाव डूब जाए। प्रायः आप लोग न्यूज़पेपर में टेलीविजन के माध्यम से सुनते होंगे ना कि नाव पर बैठे थे और नाव गंगा में चल रही थी यमुना जी में और डूब गई। 10 यात्री बैठे थे, 10 के 10 सब गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान। अरे इन साधारण नाव की क्या बात की जाए। साधारण नाव डूब जाए ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर के विदेश में सजनों एक नाव का सृजन किया, एक नाव बनाई। आज के लगभग 100 वर्ष पहले जो नाव बनाई वो दुनिया की सबसे बड़ी श्रेष्ठ नाव थी। कई वर्षों की मेहनत से वैज्ञानिकों ने बहुत व्यवस्था करके व्यवस्थित ढंग से सजनों जिस नाव का सृजन किया उस नाव का नाम आपने सुना होगा। ये नाव बनी थी सजनों सन 1909। इस समय 2021 समय चल रहा है। लगभग आज के 110 वर्ष पहले और दुनिया की सबसे बड़ी और पहली नाव बनी थी सजनों जिस नाव का नाम था टाइटेनिक। कई वैज्ञानिकों ने अथाह प्रयास किया बरसों की मेहनत से और जब दुनिया की सबसे बड़ी नाव टाइटेनिक बनके तैयार हो गई वैज्ञानिकों की जय जयकार पूरी दुनिया में होने लगी। अरे इतनी बड़ी नाव एक साथ 2200 यात्री बैठ गए, 2200 लोग और समुद्र में उस नाव को जब चलाया गया सज्जनों तो याद रखना पहली ही यात्रा में आपने सुना होगा टाइटेनिक नाव जो है ना वो जब रात्रि में अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा बड़े बड़े रिसर्चरों के द्वारा जब उस नाव का सृजन किया गया नाव चलने लगी ना समुद्र में तो जब आधी रात का समय हुआ तो आकाश से चंद्रमा लुप्त होने लगी और उधर सामने से बहुत विशाल एक बर्फ का पहाड़ आ रहा था और जो नाव को चलाने वाले लोग थे ना और जब तक समझ पाते कुछ सामने आ रहा है वो टाइटेनिक नाव पहली बार पहली यात्रा में निकली थी और जाकर के उस विशाल पर्वत से समुद्र में टकरा गए और 2200 के 2200 यात्री सब तुरंत जल में डूब गए। सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान। संसार के मनुष्यों के द्वारा बनाई गई ये जो नाव है ये सब डूब जाती है। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई इतनी विशाल बड़ी नाव जो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ आज भी जिनके नाम की चर्चा होती टाइटेनिक पहली यात्रा में तरसाई हो गई, खंड खंड हो गई और जाकर के समुद्र में डूब गई। सारे यात्री पहली ही यात्रा में छप मर गए। परंतु याद रखना ये शिव कथा के पांडाल में बैठे हुए जितने भक्त हैं ना चाहे वो राम कथा हो चाहे शिव कथा हो चाहे भागवत कथा हो ये राम कथा शिव कथा एक ऐसी नौका है। गोस्वामी जी ने कहा विश्वास करके बैठ जाओ क्योंकि दृढ़ विश्वास की नौका है, दृढ़ की नौका है। विश्वास करके बैठो और करना आपको कुछ नहीं क्योंकि नाव में अगर आप कभी बैठे हो ना तो जो बैठते हैं उनको कुछ करना नहीं पड़ता। काम तो केवल दो लोगों का होता है, एक नाव का और दूसरे नाव चलाने वाले नाविक का। नाविक का काम है किस तरह से आपको उस पार लगा देगा। इसी तरह इस शिव महापुराण की इस पावन कथा के प्रांगण में आप आकर के बैठ जाओ और काम फिर आपका कुछ नहीं है। केवल आप प्रांगण में आकर के बैठ जाएं बस फिर जिम्मेदारी जिनकी नाव में आप बैठे हो देवादिदेव महादेव की है
और नाव खेलने वाले हम लोगों की। बोले भक्त वत्सल भगवान, कुछ नहीं करना है, केवल आप आकर के बड़े आनंद के साथ बैठ जाओ। ये नाव आपको धोखा नहीं देगी। संसार की नाव गद्दारी कर सकती है, लेकिन शिव महापुराण की कथा रूपी नौका में बैठे हो, ये शिव पुराण की कथा कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करती। बस हम आप सब बड़े आनंद के साथ इस कथा रूपी प्रांगण में आकर के बैठ जाएं। इस शिव कथा के पंडाल में आप बैठोगे, भवसागर से पार होने की पूरी जिम्मेदारी देवादिदेव महादेव की है। और जैसे हम लोग नाविक बना करके भेजे गए, हम लोगों को कुछ नहीं करना। इसीलिए सज्जनों, इस कथा को, शिव महापुराण की कथा को नाव कहा गया है, राम कथा को नाव कहा गया। नौका है, विश्वास की नौका है। केवल भक्त जन श्रोतागण आकर के बैठ जाए। याद रखना, सूद जी कहते ऋषियों, इस शिव महापुराण की कथा को हमारे धर्म शास्त्रों में स्वाति का बूंद भी कहा जाता है। ये स्वाति की बूंद है, स्वाति के बूंद में क्षमता होती है। क्षमता क्या होती है कि स्वाति की बूंद सज्जनों जब ऊपर से बरसती है ना, तो किसी सीप का जब मुख खुला मिल जाता है और उसमें जाकर के जब एक बूंद जल पड़ जाता है स्वाति की बूंद का, तो वो स्वाति की बूंद का जल सज्जनों वो मोती बन जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान, शिव महापुराण की ये पावन कथा को हमारे धर्म शास्त्रों में सूद जी ने सौनका दृश्यों से कहा, ये स्वाति की बूंद है। करना क्या है, सीप की तरह हमको आपको बैठना है। सीप का मुख जब ऊपर होगा तभी स्वाति की बूंद उसमें पड़ेगी। अगर सीप की बूंद के मुख को नीचे पलट दिया जाए तो स्वाति की बूंद पड़ती रहे, जीवन का कल्याण होना। कथा के प्रांगण में बैठो तो हमारे आपके ज्ञान बुद्धि विवेक का जो मुख है ना, वो खुला होना चाहिए। एक एक बूंदी जो शिव महापुराण की कथा के रस के रूप में आपके जीवन में प्रवाहित हो रही ना, ये सब आप आत्मसात करते जाओ। जब ये कथा की बूंदे हमारे आपके जीवन में पड़ेगी ना, तो हमारे आपके सबके जीवन को मोती बना देगी। एकाग्रता से कथा सुनो। बस ये नहीं कि हम आप सब बैठे कथा पांडाल में है, मन लगा है संसार के प्रपंच में, एकाग्र होकर के मन वाणी को समर्जित करके एकाग्रचित होकर के कथा सुनोगे, हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा। इस शिव कथा को सूद जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, यह शिव महापुराण की कथा इस स्वाति की बूंद की तरह काम करती है। बस श्रोता आनंद के साथ इस कथा के प्रांगण में आकर के बैठ जाए। बस कितने लोग होते ना, इस कान से कथा सुनते हैं, इस कान से कथा निकल जाती है। कथा सुनिए तो उसको अपने जीवन में धारण करो। और एक बहुत मीठी बात बताऊंगा, केवल 3 दिन का समय है, दोनों टाइम मिलाएंगे 6 टाइम की कथा है। 3-3 घंटे जोड़ दिया जाए 36 घंटे, 3 घंटे कल भी दी गया था लगभग। याद रखिए 18 घंटे की जो ये कथा है ना, हम आप जब सुने आगे के दिनों सब मिला करके, तो जीवन का एक लक्ष्य बनाए कि शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो जीवन में एकाध नेकाध परिवर्तन तो अवश्य आना चाहिए। कथा सुनने के बाद मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। कथा के माध्यम से जो सबसे अच्छी बात आपको लगे, सबसे सरल बात आपको लगे, सबसे मीठी हो, जिसका हम सब अनुकरण अनुपालन अच्छे ढंग से कर लें, उन बातों को हम आप सब अपने जीवन में आत्मसात करें, धारण करें, उतारें, तब कथा सुनने का लाभ है। इस कान से कथा सुनेंगे, इस कान से निकलती जाएगी तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। सच बताऊं, कोई भी कथा हो, चाहे उसी महापुराण की कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे देवी भागवत आदि की कथा हो, कथा के मंच से जो भी व्यवस्था, जो भी विधान, जो भी बातें बताई जाती हैं सज्जनों, सारी बातों का आत्मसात इस समय संसार में कोई श्रोता कर नहीं सकता कि एक एक बात को जीवन में कोई उतार रहा है। गृहस्थी है, नाना प्रकार का जंजाल है, इस जंजाल में रह करके भी कथा की एक एक बातों को आत्मसात करना बड़ा कठिन है। श्रोताओं की क्या बात की जाए, सच बताओ संसार का कोई वक्ता ही नहीं कर सकता, तो श्रोता की क्या बात कही। बोले भक्तों से भगवान,
दुनिया का कोई वक्ता जो कथा के मंच से बैठ करके एक एक बात श्रोताओं के सामने प्रकट करता है वो उस पर शत प्रतिशत नहीं चल पाता। अब अगर कोई चल ले तो सच बताऊं फिर मुझे लगता है ना फिर शिव महापुराण की कथा नहीं होगी। 100% जो कथा के माध्यम से बातें बताई जाएं, अगर इस समय वर्तमान युग का कोई भी वक्ता अगर अपने जीवन में आत्मसात कर ले सज्जनों फिर शिव महापुराण की कथा नहीं होगी, फिर भागवत की कथा नहीं होगी, फिर राम कथा दुनिया में नहीं होगी, फिर पूरी दुनिया उसी की कथा गाने लगेगी। बोले भगवत्सल भगवान। तो श्रोताओं से कैसे अपेक्षा की जाए कि शिव महापुराण की एक एक बात जीवन में उतार लो, नहीं उतार पाओगे। परंतु इस पूरी कथा के जितने भी सज्जनों समय में आपको कथा सुनने को मिल रही है ना, इसमें से एक बात भी अगर हमारे आपके जीवन में उतर जाए तो हमारा आपका सबका जीवन कृतार्थ हो जाए, धन्य हो जाए। कथा का लाभ जीवन में कब मिलेगा, जब शिव महापुराण की एक एक दिन की कथा सुनो और कथा सुन करके जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन आ जाए, परिवार में आ जाए, जीवन में आ जाए, शिव महापुराण की कथा सार्थक हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। आप सबका कथा सुनना और हमारे अवस्थी परिवार का कथा कराना ये सार्थक हो जाएगा। और सच ये है कि उससे बड़ी बात हमारा कथा कहना भी सार्थक हो जाएगा। बोले भगवत्सल भगवान। कोई एक श्रोता अगर जीवन में शिव महापुराण के द्वारा गाई गई कथाओं का एक बात मान ले बस, परंतु बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो भी कथाओं का समय है, जितना भी समय आपको मिल रहा है, कथा के पांडाल में आ रहे हैं, ये विचार बनाएं कि जीवन में एक न एक बात तो उतार करके जाएंगे, तब कथा सुनना सार्थक होगा। नहीं तो वही कहानी यहाँ से याद करके जाना, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। 3 घंटे दिन में, 3 घंटे रात्र में बैठ करके इस पांडाल में अपने शरीर को केवल आप पीड़ा पहुंचा रहे हो, अपने शरीर को केवल कष्ट दे रहे हो, मिलना मिलाना कुछ नहीं। इस कान से कथा सुनोगे, इस कान से निकल जाए, क्या लाभ मिलेगा? कुछ न कुछ परिवर्तन तो जीवन में आना चाहिए। एक बहुत मीठा सा छोटा सा दृष्टांत है, सुने के बाद समझ जाए। एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की 2 मूर्ति बनाया, दोनों मूर्ति पीतल की, पीतल की मूर्ति बनाकर के मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार उस मूर्ति को ले जाकर के बाजार में खड़ा हो गया मूर्ति बेचने के लिए। लोग मूर्ति खरीदने के लिए आए, उस मूर्तिकार ने कहा इस मूर्ति की कीमत 100 रुपए है और दूसरी मूर्ति की कीमत 1000 है। क्यों? क्या ये दूसरी मूर्ति जिसकी कीमत 1000 है किसी दूसरे देश से बन के आई है, किसी दूसरी फैक्ट्री से बन के आई है, किसी और बड़े मूर्तिकार ने बनाया है, या ये ज्यादा बड़ी मूर्ति है इसलिए पीतल ज्यादा लगा है, या स्वर्ण की कुछ मात्रा है इसमें, किस लिए एक की कीमत 100 रुपए और दूसरे की कीमत 1000 क्यों आपने रखा है? मूर्तिकार ने कहा देखो दोनों मूर्ति मैं बनाया हूं, दोनों मूर्ति में बनाने में समय 1 बराबर लगा है, और समय ही नहीं पीतल की जो भी मात्रा है वो 1 बराबर है, बनाने वाला मैं हूं, बन करके जहां से आई वो स्थान दोनों का एक है, बेचने का स्थान दोनों का एक है, परंतु एक की कीमत 100 रुपए और दूसरे की कीमत 1000। लोगों ने कहा क्यों? कहा बाप परीक्षण करो। बड़े बड़े लोग आए परीक्षण करने के लिए, परीक्षण नहीं हो पाया। इतने में एक महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा मैं परीक्षण करके बताऊं एक की कीमत 100 रुपए और दूसरे की 1000 क्यों? कहा बताओ। पहले 100 रुपए वाली मूर्ति हाथ में उठाए और हाथ में मूर्ति उठा करके एक सुतली रस्सी लेकर के थोड़ा सा पटली टाइट किए और 100 रुपए वाली मूर्ति के कान में जब इधर से डाले तो वो रस्सी इस कान से गई और इस कान से निकल गई। कहा इसीलिए इसकी कीमत 100 रुपए है और दूसरी वाली मूर्ति जब उठाए और उसमें भी सुतली रसली को टाइट करके और जब इस कान से डाली तो इस कान से जब सुतली डाली गई सज्जनों तो उस कान से निकली नहीं, वो जाकर के नीचे अंदर प्रविष्ट हो गई। महात्मा जी ने कहा इसीलिए इस मूर्ति की कीमत 1000 रुपए है। याद रखना, कथा सुनोगे इस कान से, सुनोगे इस कान से कथा निकल जाएगी तो हमारी कीमत जैसे पहले थी मनुष्य की वैसे रह जाएगी,
कथा सुनने के बाद मनुष्य के जीवन की कीमत बढ़नी चाहिए। इस मानव जीवन में दिव्यता आनी चाहिए, मानव जीवन में पवित्रता आनी चाहिए, मानव जीवन में कुछ न कुछ आचार विचार की शुद्धि होनी चाहिए। इसके लिए हम आप सब श्री महापुराण की कथा सुने, शिव चरित्र की जो भी व्याख्या इस मंच से आपके सामने प्रकट की जाए, कुछ न कुछ उसका आत्मसात यहां से करके जाओ, जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आओ, तब तो कथा सुनना आपका सार्थक होगा। अन्यथा कथा सुनने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। शिव महापुराण की कथा ये मनुष्य के जीवन में कल्याण को प्रदान करती है, क्योंकि ये कल्याणकारी शिव की कथा है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी। शिव माने कल्याण। शिव महापुराण की कथा मनुष्य के जीवन में कल्याण प्रदान करती है। वैसे तो सारी कथा कल्याण देते, परंतु ये श्री महापुराण की कथा विशेष रूप से हमारे आपके जीवन को सार्थक बनाएगी, विशेष रूप से हमारे आपके जीवन का कल्याण करेगी। इसलिए महात्माओं ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। हमारे साथ दो लाइन में सब लोग गुनगुनाएं, श्रद्धा भक्ति के साथ सब लोग बोले। कथा मेरे शिव की है कल्याणकारी, कथा मेरे शिव की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा मेरे शिव की है कल्याणकारी, कथा मेरे जो भीतर अहंकार मद मोह फैला जो भीतर उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। एक साथ जितने भक्त बैठे हैं यहाँ हाथ ऊपर करके शिवजी का ध्यान करते हुए बस्ती में कालक सेवा करते हैं। आदमी का मिले ना मिले फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो शंभुनाथ। एक साथ हाथ उभर करके बस्ती में रहो प्रेम सभी प्राणियों से,
सहना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। सदाशिव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव की कथा, शिव महापुराण की कथा हमारे आपके सबके जीवन में कल्याण प्रदान करने वाली, भव रोग से हमको आपको मुक्त कर देने वाली, जो हमारी आपकी सबकी आत्महत्या हो रही है उस अकाल मृत्यु के बंधन से हमको आपको मुक्त करने वाले। बस केवल हम आपसे करे क्या, शिव महापुराण की पावन कथा सुनने के लिए समय निकाल करके इस प्रांगण में आ जाएं, इस प्रांगण रूपी नाव में आकर के बैठ जाओ। ये विश्वास की नौका आप सबको भव सागर से पार करती है। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री महापुराण की कथा का श्रवण पाठ करा रहे हैं। एक और बहुत मीठी बात बताऊं, प्रायः हम आप सब जितने पुराणों की कथा सुनते हैं, हम आप सब ज्यादातर गांव-गांव में भागवत कथा होती रहती है, भागवत कथा जो सुनते हैं तो व्यास जी आकर के जैसे व्यास मंच पर आसीन होते हैं ना, तो सबसे पहले कथा का शुभारंभ यहीं से करते हैं। जो आप लोग कथा सुनने के लिए इस दलसिंहपुर गांव में आज विराजमान हो रहे हो, बैठे हो, ये कथा दलसिंहपुर में नहीं, कभी भागवत के पांडाल में गए होगे तो पता होगा, ये कथा नैमिषारण की पवित्र पावन स्थान पर चल रही है। याद रखना, प्रायः जितने भी धर्मशास्त्र धार्मिक कथाओं का आयोजन ऋषियों के द्वारा किया गया, सज्जनों 88,000 महात्माओं के द्वारा, वो सारी कथा प्रायः आप देखेंगे तो उसका जो शुभारंभ स्थान है, जो वो भूमि है जहां से कथा का प्रारंभ होता है, उस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य, इतनी पवित्रता है उस भूमि में क्या बताया है। एक बार सज्जनों 88,000 ऋषिगण सब एकत्र होकर के भगवान श्री नारायण के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कृपा करके एक बात बताइए। क्या? हम समस्त ऋषिगण जितने महात्मा हैं ये सब एक स्थान पर बैठ करके तपस्या करना चाहते हैं, परंतु कोई पवित्र भूमि बताइए जो पवित्र हो, दुनिया की श्रेष्ठ भूमि हो। भगवान विष्णु ने ऋषियों की बात को सुना और कहा, धैर्य रखो, मैं आप सबके लिए पूरे संसार की 14 भुवन की सबसे श्रेष्ठ पवित्र भूमि बताऊंगा, परंतु कुछ देर धैर्य तो रखो और तुम जितने महात्मा हो सब जाकर के वहीं तपस्या करो, वहीं जाकर के सत्संग करना। सत्संग के लिए सबसे पवित्र भूमि कौन सी है? भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने चक्षु दर्शन को बुलाता हूं, और बुला करके चक्षु दर्शन को भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि सारे संसार का भ्रमण करो, संसार का ही नहीं 14 लोकों का भ्रमण करो, 14 लोकों में जो सबसे पवित्र भूमि हो तुम जाकर के वहीं स्थिर हो जाना, और जहां पर चक्ष दर्शन स्थिर हो जाएगा वो दुनिया की सबसे पवित्रतम भूमि मानी जाएगी, और उसी भूमि पर जितने महात्मा हो तुम जाकर के सत्संग करना। भगवान श्री विष्णु के द्वारा छोड़ा गया वो सुदर्शन चक्र जब चला तो भूर लोग भुआ श्वाह जनाह तपाह सत्य वैकुंठ अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 14 भुवन का भ्रमण करके वो
चक्र दर्शन सज्जनों आकर के एक बहुत बड़े अरण्य में स्थिर हो। अरण्य माने होता है जंगल, अरण्य कहा जाता है वन को, जंगल को अरण्य कहा जाता है। रामचरितमानस में सात कांड है ना, जिस कांड में भगवान की वन लीला हुई है उस कांड का नाम गोस्वामी जी ने अरण्य कांड कह दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अरण्य माने होता है जंगल, एक विशाल घनघोर जंगल में जाकर के वो चक्र दर्शन स्थिर हो गए। कितनी देर में? मात्र एक निमिष में। निमिष कहा जाता है सज्जनों हमारी आपकी आंखों की ये पलक जो है ना, बिना प्रयास के बिना सोचे जब अपने आप स्वतः झपक जाए एक बार, उतनी ही देर को एक निमिष बोला जाता है। चक्र दर्शन जो भगवान विष्णु के द्वारा छोड़ा गया सज्जनों, वो एक निमिष मात्र में सारे संसार का भ्रमण करके 14 लोकों का भ्रमण करके जिस अरण्य में आकर के स्थिर हुआ, इसलिए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। दुनिया की सबसे पवित्र भूमि, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ भूमि है, 14 भुवन की सबसे श्रेष्ठ भूमि है नैमिषारण्य। प्रायः जितनी कथा का आयोजन हुआ, शुभारंभ हुआ, महात्मा लोगों ने सत्संग किया, वो सारी कथाएं सज्जनों सब नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि से। परंतु इस शिव महापुराण की कथा नैमिषारण्य से प्रवाहित नहीं हुई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को जो शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं सज्जनों, ये नैमिषारण्य से नहीं, आप जाकर के शिव पुराण उठा करके देख लेना, भागवत कथा का शुभारंभ नैमिषारण्य से हुआ है। हम आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, जैसे कथा का प्रारंभ होता है पंडित जी लोग वस्त्रंत एकदा नैमिषारण्य हरिशयः शौनकादयः, एक बार की बात है नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र हुए। अब ये जो कथा ली गई है सज्जनों, याद रखिए सत्यनारायण कथा ये स्कंद पुराण से ली गई है, तो इससे संकेत मिलता है कि स्कंद पुराण की कथा का भी प्रारंभ हुआ तो नैमिषारण्य से हुआ, भागवत कथा का प्रारंभ हुआ तो नैमिषारण्य से हुआ, परंतु इस महापुराण की कथा का जो शुभारंभ हुआ है वो नैमिषारण्य की पावन धरती नहीं, वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और पवित्रतम भूमि एक और है, हमारे आपके सबके सामीप में ही है सज्जनों, जिस भूमि का नाम है तीर्थराज प्रयाग। बोली भक्त वत्सल भगवान जय। शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ प्रयागराज की धरती से हो रहा है। 88,000 ऋषि एकत्र होकर के प्रयाग की धरती से सूत जी से शिव महापुराण की कथा के विषयक प्रश्न किए हैं। तो याद रखना, प्राय लोग कहते हैं जितनी भी कथाएं हुई सब नैमिषारण्य से चली है, परंतु शिव महापुराण के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो प्रयाग की धरती से हुई। संध्यन कहते रेवा तीरे तपह पुरिया मरणम जानवी तटे। अगर हमको आपको सबको तपस्या करनी हो तो हम आप सब रेवा तीर में जाए, नर्मदा के तट पर जाए। नर्मदा का तट तपस्या के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया शिव पुराण के अनुसार, और अपने मृत्यु को धन्य बनाना है, सफल करना है, मृत्यु को पावन करना है, मृत्यु को मंगलमय बनाना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर हमको आपको सबको गंगा का तट छोड़ना चाहिए। गंगा के तट पर अगर मृत्यु हो जाए तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो उसकी सदगति हो जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गंगा का तट कहां? गौमुख से गंगा जी निकली तो हरिद्वार, प्रयागराज, काशी आदि क्षेत्रों से होकर के। तो अगर हमारे आपके जीवन का अंत समय आवे तो हम सब गंगा के तट पर चले जाएं, हरिद्वार आदि और अनेक छोटे छोटे सज्जनों शहर हैं जो गंगा के तट पर हैं, परंतु तीर्थ स्थानों की महिमा शास्त्र में बड़ी अलौकिक, हरिद्वार की, काशी की और प्रयागराज। सबसे पहले सूत जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ जो ये प्रयागराज की धरती से हो रहा है,
सबसे पहले ऋषियों प्रयागराज का अर्थ समझ लो। प्रयागराज का क्या अर्थ होता है? प्रयाग किसको कहते हैं? तो सबसे पहले सज्जनों प्रयाग की व्याख्या कीजिए। प्र धनयाग बराबर प्रयाग। प्र माने होता है श्रेष्ठ, याद रखिए। प्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी बड़ा, और याज्ञ का अर्थ है यज्ञ। जिस भूमि पर पूरी दुनिया की, पूरे 14 लोगों की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महायज्ञ का आयोजन हुआ है, उसी धरती का नाम है तीर्थराज प्रयाग। बोली भक्तोश्वर भगवान। जितनी बड़ी यज्ञ सज्जनों इस संसार सागर में प्रयागराज की धरती पर हुई, उतनी बड़ी यज्ञ इस दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुई। इसलिए उस धरती का नाम प्रयाग पड़ा। अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या समझ लेना। प्र माने होता है श्रेष्ठ बड़ा, अयाज्ञ माने होता है यज्ञ। जहां दुनिया के भूर लोग, भुआ लोग, श्वाह लोग, जनह लोग, तपह लोग, सत्य लोग, वैकुंठ, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 14 भुवन की, 14 लोगों की सबसे बड़ी यज्ञ भूमि जो है ना, वही है प्रयागराज। इसको तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, तीर्थों का राजा है। माघ के महीने में मकर राशि पर जो सूर्य नारायण जाते हैं, तो प्रयागराज की धरती पर सज्जनों महाकुंभ लगता है। वैसे महाकुंभ तो 12 वर्ष में लगता है, कुंभ लगता है हर साल। हर वर्ष प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, इसीलिए महात्माओं ने वर्णन किया। मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवस होई। मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवस होई। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवस आग के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य नारायण पहुंच जाते हैं, तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ मेला लगता है। सारे संसार के जितने तीर्थ हैं, याद रखिए, जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थ अपने स्थान का परित्याग करके एक महीने के लिए तीर्थराज प्रयाग आ जाते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूं, एक साथ दुनिया के समस्त तीर्थों के दर्शन, स्पर्श, दान, पुण्य का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो जब माघ का महीना आवे तो प्रयागराज पहुंच जाओ। दुनिया के जितने तीर्थ हैं, सबके दर्शन का फल एक स्थान पर मिल जाएगा। बोली भक्तोश्वर भगवान। जितने देवता हैं, जितने ऋषि हैं, महात्मा हैं, तीर्थ हैं, सारे तीर्थ का आगमन होता है। जब भगवान ने तीर्थराज प्रयाग को राजा बना दिया ना, तो कहा यही है, तुम राजा बने हो ना, वर्ष भर में एक महीने सारे संसार के तीर्थ तुम्हारे पास आकर के तुम्हें कर समर्पित करेंगे, भेंट समर्पित करेंगे। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के सारे संसार के तीर्थों ने एक महीने तक हर वर्ष प्रतिवर्ष वहां पर वास किया, और करते भी आज भी। उस तीर्थराज प्रयाग की धरती पर देवता, धनुष, किन्नर, नर, मनुष्य, साधु, संत, महात्मा सब आते। देव धनुज किन नर नर श्रेणी असाधर मजहि सकल त्रिवेणी, साधर मजहि सकल त्रिवेणी। सारे संसार के इतने देवता हैं, 37 कोटि देवताओं का भी आगमन होता है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी सब वहां पधारते से जुड़ो, जितने भी हैं सबका आगमन होता प्रयागराज। और वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का संगम भी है, संगम का क्षेत्र भी है। याद रखना, जिस धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हो रहा है, गंगा जी ज्ञान स्वरूप स्वरूपा,
यमुना जी भक्ति स्वरूपा और सरस्वती जी को शिव महापुराण में वैराग्य स्वरूप, जहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य का संगम हो रहा है उस तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती जो तीर्थों की राज के राजा के रूप में वर्णित है शास्त्रों में सज्जनों, उसी धरती से शिव महापुराण की पावन मंगलमय कथा का प्राकट्य हुआ है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक बहुत अद्भुत और मीठी बात मैं आज आपके सबके सामने बताऊं कि उसी तीर्थराज प्रयाग में सज्जनों, जो दुनिया की सबसे विशालतम सबसे बड़ी सबसे श्रेष्ठ जो यज्ञ हुई थी ना, उसकी चर्चा भी शिव महापुराण में की गई है कि सबसे पहली यज्ञ, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, सबसे बड़ी यज्ञ जो तीर्थराज प्रयाग में की गई है, उस यज्ञ का आचार्यत्व किसने किया, उस यज्ञ में किस देवता की पूजा की गई, क्योंकि यज्ञ में तीन लोगों की भूमिका प्रमुख होती है। एक तो उस यज्ञ का देवता कौन होगा, कोई भी अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, कथा सुने, सत्संग कराएं, कुछ भी कार्यक्रम करेंगे, तीन लोगों की भूमिका प्रमुख होती है कि इस शुभ महामहोत्सव के इस महाकार्यक्रम का मुख्य प्रधान देवता कौन है। जैसे यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है तो इस पूरे महामहोत्सव के जो प्रधान देवता हैं वो धूत भावन भोलेनाथ देवादिदेव महादेव है। तो पहली शर्त यह है कि यज्ञ कहीं पर होगी तो उसका प्रधान देवता नियुक्त किया जाता है। किसकी यज्ञ? सत्चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम कहीं पर सुनिश्चित किया जाता है तो उस यज्ञ में देवी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। महामृत्युंजय के महानुष्ठान का कार्यक्रम हुआ तो भोले बाबा, शिव महापुराण की कथा हुई शिव जी, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ शिव जी, राम कथा का आयोजन हुआ तो भगवान श्री राम ही उस यज्ञ के उस सत्संग के प्रधान देवता कहे जाते हैं। भागवत का कार्यक्रम अगर होता है तो राधा कृष्ण भगवान होते। तो यज्ञ में कौन से देवता प्रमुख है, प्रधान देवता है, उनकी महत्व है और उसके बाद उस यज्ञ को कराने के लिए कौन सा आचार वर्णित किया गया है, किस आचार के द्वारा ये पुनीत ये महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा, संपादित होता होगा, वो आचार की प्रमुखता होती है। और तीसरी जो महिमा है सज्जनों वो यजमान की होती है, किस यज्ञ का यजमान कौन है। बिना आचार के, बिना देवता के, बिना यजमान के अगर तीनों नहीं है तो यज्ञ कोई संपन्न हो ही नहीं पाएगी। बोली भक्तवत्सल भगवान। संपन्न की तो बात छोड़ दीजिए, यज्ञ का शुभारंभ ही नहीं हो सकता। प्रयागराज में जिस यज्ञ का आयोजन किया गया सज्जनों, उस यज्ञ में सज्जनों जो प्रमुख देवता है ना, वो जानते हो कौन है? पृथ्वी पर जब बहुत अनाचार अत्याचार बढ़ता गया, पृथ्वी जब त्राह त्राह करने लगे कि अब मैं रसातल में डूब जाऊंगे, पृथ्वी के भार को शमन करने के लिए, पृथ्वी के त्रास को समाप्त करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में विशाल महायज्ञ की गई सज्जनों। और उस यज्ञ में यज्ञ का जो प्रमुख देवता माना गया वो जानते कौन है? संध्यन कहते हैं यज्ञ के प्रमुख देवता यही हमारे भूत भावन भोलेनाथ हुए। बोली भक्तवत्सल भगवान। जैसे दलसिंहपुर इस गांव में जो ये विशाल श्री महापुराण की महायज्ञ आदि अनुष्ठान का कार्यक्रम ये कथा का आयोजन चल रहा है तो इसके भी देवता भूत भावन भोलेनाथ है प्रधान देवता। ऐसे प्रयागराज में होने वाली जो सबसे बड़ी और विशाल यज्ञ थी उस यज्ञ के जो प्रधान देवता थे वो महादेव थे। पुरोहित का कार्य किसने किया, आचार्य का काम किसने किया? ब्रह्मा जी उस यज्ञ में सज्जनों आचार्यत्व ग्रहण किए, पुरोहित का कार्य किया। और यजमान जब नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया तो श्री महापुराण की कथा में सूत जी के तरीके ध्यान दे करके सुनो, उस यज्ञ का यजमान स्वयं भगवान श्री नारायण विष्णु हुए। प्रयागराज में होने वाली सज्जनों इस दिव्य यज्ञ
कि यजमान भगवान विष्णु ध्यान देके सुनेंगे, पुरोहित हुए ब्रह्मा जी और देवता हुए देवादिदेव महादेव, और तीनों ने मिलकर के ये विशाल यज्ञ की है सज्जनों। हजारों वर्ष तक जब वो यज्ञ होती रही, यज्ञ होती रही, यज्ञ होती रही, तो जब पूर्णाहुति करने का समय आया तो उसी यज्ञ से भगवान की ऐसी कृपा हुई सज्जनों, एक ऐसे शक्ति पुंज का प्राकट्य हुआ, पृथ्वी के बोझ को हल्का करने के लिए एक शक्ति पुंज का प्राकट्य हुआ, और शक्ति पुंज को जब वहां पर स्थापित किया गया सज्जनों, तो एक बहुत बड़े विशाल वट वृक्ष का रूप धारण किया, और उसी वट वृक्ष को हमारे शिव महापुराण में अक्षय वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोली भक्तोशल भगवान, आप कभी गए हो प्रयागराज तो अक्षय वट वृक्ष है, अक्षय वट है, हम लोग बोलते ना अक्षय वट भगवान की, तो उस यज्ञ से अक्षय वट भगवान का प्राकट्य हुआ वट वृक्ष के रूप में, और वही अक्षय वट भगवान ने सारे संसार के पृथ्वी के भार को समाप्त करके पृथ्वी के उस त्रास को, पृथ्वी के ऊपर जो पाप अनाचार अत्याचार बढ़ गया था उसको समाप्त किया, और अक्षय वट वृक्ष की महिमा आज भी प्रयागराज में है सज्जनों। और वो अक्षय वट वृक्ष जो ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा यज्ञ करके प्रकट किया गया था, आज भी प्रयागराज की धरती पर विद्यमान है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि पूजय ही माधव पद जल जाता परसी अक्षय वट परसी गाता परसी अक्षय वट परसी करके अक्षय वट की पूजा करने लगे, सारे संसार में अक्षय वट की जय जयकार होने लगी, अक्षय वट का दर्शन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होने लगी। परंतु जो धीरे धीरे कालांतर का समय बीतता गया सज्जनों, तो बहुत मीठी बात बताऊं, जब हमारे इस देश पर मुस्लिम शासकों ने आकर के जब अपना राज्य अपना आधिपत्य जमाना प्रारंभ किया, औरंगजेब ने जो पूरे भारत पर जब कब्जा किया, तो उसने प्रयास किया कि प्रयागराज की इस अक्षय वट वृक्ष को समाप्त किया जाए। अपने दूतों को लगा करके उसने उस वृक्ष को कई बार जड़ के साथ खुदवा करके फेंकने का कुत्सित कार्य किया सज्जनों, परंतु अक्षय वट वृक्ष को समाप्त करने में वो कहीं ना कहीं से पुनः से प्रकट हो जाता था। पूरा प्रयास उसका निष्फल चला गया, तब भी नहीं माना, तो एक बहुत बड़ा गड्ढा बना करके अक्षय वट वृक्ष को समाप्त करने के लिए, इस धरती से उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए औरंगजेब ने, श्री महापुराण में ऐसी चर्चा आती है सज्जनों, हजारों लीटर सज्जनों विष डाला गया, तेजाब डाल दिया गया, परंतु अक्षय वट वृक्ष जो इस यज्ञ से उत्पन्न हुआ था वो समाप्त तब भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया गया, और जब उसके सारे प्रयास सब सज्जनों सब निष्फल चले गए, एक बहुत मीठी बात बताऊं, फिर उसने क्या किया कि अक्षय वट वृक्ष को चारों तरफ से एक बाउंड्री बनवा करके ढंक दिया, उसने रोक लगा दिया कि भारत देश का कोई नागरिक, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, अगर सज्जनों अक्षय वट वृक्ष का दर्शन नहीं करेंगे, सारे संसार से इस वृक्ष की महिमा अपने आप समाप्त हो जाएगी, दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब मुस्लिम शासक सज्जनों अकबर हुआ, तो उसने उस महत्व को समझा
तो तीर्थराज प्रयाग के पवित्र पावन परिक्षेत्र का नाम ही बदल दिया। और अकबर ने क्या किया, कहा ये जो अक्षयवट वृक्ष है इसको इतने दिनों तक जो सजो करके हमारे पूर्वजों ने रखा है, हमारे राजाओं ने रखा है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर अल्लाह की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए उस शहर का नाम प्रयागराज से हटा करके अल्लाह शहर कर दिया गया। बाद में और बड़े बड़े मुसलमान जब शासक हुए, बादशाह आदि का जब सज्जनों राज आया तो उसने क्या किया कि वही शब्द का भ्रंश करते करते उस शहर का नाम इलाहाबाद पड़ गया। हम लोग इलाहाबाद के नाम से आज भी जानते हैं। परंतु 2017 में जब इस उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी और 2019 में जब सज्जनों दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का जब आयोजन किया गया तो उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सबसे अद्वितीय श्रेष्ठ काम किया है, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा जिस अक्षयवट वृक्ष को सज्जनों लोगों के दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था, सबसे पहले योगी सरकार ने आम जनमानस के लिए, सनातन धर्मियों के लिए उस प्रतिबंध को हटा दिया। आज अगर हम आप भी जाएं तो अक्षयवट वृक्ष का दर्शन हम आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस सरकार को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। और पुनः से तीर्थराज प्रयाग की उस नगरी को उस महिमा से जाना जाए, इसलिए उस अल्लाह शहर का नाम बदल करके तीर्थराज प्रयाग रख दिया गया। बोली भक्तोशल भगवान। इतनी पावन इतनी पवित्र भूमि पर आज ये तीर्थराज प्रयाग की नगरी परिक्षेत्र सज्जनों फिर से अपने अस्तित्व को प्राप्त हुआ और पूरे देश विदेश से करोड़ों जनमानस के लोग आकर के दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में कम से कम 10 करोड़ भक्तों ने जाकर के अक्षयवट वृक्ष का दर्शन, 2019 में दिव्य कुंभ जब भव्य कुंभ लगा तो उसका दर्शन प्राप्त किए और गंगा आदि संगम में जाकर के स्नान किया, साधु संतों का दर्शन प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य लोगों ने किया। तब से आज अगर आप हम आप सब जाएं तो अक्षयवट वृक्ष का दर्शन हमको आपको सबको प्राप्त हो सकता था। उससे पहले जितनी भी सरकारें आई सब ने उस प्रतिबंध को बनाए रखा, किसी हिंदू को अक्षयवट वृक्ष का दर्शन नहीं हो पाता था, उसको एक चहर दिवाली के अंदर बंद कर दिया गया। ऐसी पवित्र भूमि जिस भूमि का नाम है प्रयागराज, प्रमाने श्रेष्ठ अयाज्ञ माने यज्ञ, जहां पर दुनिया की सबसे श्रेष्ठ यज्ञ की गई हो, और हर जगह यज्ञ देवताओं ने किया है, ऋषियों ने किया है, महात्माओं ने किया है, परंतु प्रयागराज की ऐसी भूमि है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश ने यज्ञ किया, और जो हमारे तीनों ये प्रधान देवता हैं, जो सारे संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ये जो प्रमुख देवता हैं, जब इन्होंने आकर के यहाँ पर पुरोहित का कर्म और आचार्य का कर्म और देवताओं के कर्म को प्राप्त करके करके जब इस विशाल यज्ञ को करके सारे संसार से पृथ्वी के पाप को जो समाप्त किया, ऐसी प्रयागराज की धरती को हम आप सब नमन करें, प्रणाम करें, क्योंकि प्रयागराज से ही शिव महापुराण की पावन महाकथा का सज्जनों उद्गम स्थान है। प्रयाग से शिव कथा का प्रारंभ हुआ, शिव महापुराण की कथा प्रयागराज से निकली, हम आप जाकर के गंगा नदियों का दर्शन करते प्रयाग अपने जीवन को धन्य करते हैं, इसलिए महात्माओं का बड़ा प्यारा भाव है, हमारे साथ मस्ती में सब लोग गुनगुनाएंगे, सब लोग प्रेम के साथ बोले, पापी भी तूने तार दिए जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए जय जय गंगे मैया, 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 पापी तूने
त्यागराज की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया, त्यागराज की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया, त्यागराज की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया। तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, सबको पार लगैया, पापी भी तूने तार दिए जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए जय जय गंगे मैया, पापी भी तूने तार दिए जय जय गंगे बोली गौरी शंकर भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से प्रयागराज की पावन अद्भुत महिमा की कथा ऋषियों को सुनाई, प्रयागराज की धरती को नमन किया, सब लोगों ने प्रणाम किया। उसके बाद सूत जी महाराज ने
से 88,000 ऋषियों ने प्रयाग की धरती से हाथ जोड़कर के निवेदन किया। गुरुदेव, इस संसार सागर में जो आने वाला समय है ना कलयुग, जितने भी मनुष्य हैं उनके सारे पुण्य कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाए, लोग धर्म कर्म से विमुख हो जाए, कथा भागवत सत्संग आदि से लोगों की दूरी बढ़ती चली जाए। जितने भी कलियुग के प्राणी होंगे सब असत्य भाषण करेंगे, दूसरों की निंदा में खूब मन लगेगा सबका, दूसरों का धन हड़पने का पूरा प्रयास किया जाएगा इस कलयुग में। पराई नारी पर जीव आसक्त होते रहेंगे, यहां तक अपने माता पिता से भी द्वेष भाव रखेंगे, गुरुजनों का सम्मान लोगों के जीवन से चला जाएगा, संत महात्माओं ब्राह्मणों का आदर नहीं होगा, गौ माता की सेवा नहीं होगी, गाय का वध होगा। जितने भी संसार सागर के मनुष्य हैं, मानव हैं, इनका सबका जीवन सब पापाचारमय हो जाएगा। अतः इनके पाप को समाप्त करने का, इनके पाप कर्म को समाप्त करने का कोई श्रेष्ठ साधन हो कृपा करके मुझे बताइए। हमारे ऋषियों के कान उस पावन दिव्य कथा को सुनने के लालायित हो रहे हैं, क्योंकि संसार में जितने भी लोग जनमानस हैं, जितने भी मनुष्य हैं, ये सब अत्यंत पाप में लीन हो गए हैं। इनका सबका हृदय दुष्टों को कितना हो जाएगा। खल हृदय अति ताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खल हृदय ने कहा जितने भी संसार सागर के प्राणी होंगे, झूठ में उठना, झूठ में बैठना, झूठ बोलना, झूठों का व्यवहार करना, दूसरों की घोर निंदा करना, चोरी चुगली में खूब मन लगेगा, कथा भागवत के अनुष्ठान से भक्ति से लोग विमुख होते चले जाएंगे, धर्म कर्म का सब परित्याग कर देंगे, चारों वर्णों के लोग अपने वर्ण के कर्तव्य का त्याग कर देंगे, ब्राह्मण के जीवन में ब्राह्मण तो नहीं रह जाएगा, ब्राह्मण को का जीवन जो धर्म कर्म संध्या पूजन गायत्री में लगा होना चाहिए वो केवल धन के लिए रह जाएगा, बस केवल धन का आगमन हो, धन चाहिए बस। क्षत्रिय भी अपने स्वधर्म का परित्याग करके धर्म की रक्षा की कार्यभार का निर्वहन नहीं कर पाएंगे तो भी व्यभिचार में लग जाएंगे, कुसंगी हो जाएंगे। जो वैश्यगण हैं, वो भी अपने संस्कार का त्याग कर देंगे, स्वधर्म का त्याग करके कुमार्गी बन जाएंगे, धनोपार्जन ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य रह जाएगा, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए दान पुण्य में उनकी रुचि नहीं होगी, वो भी अपने वृत्ति का परित्याग कर देंगे। चौथा वर्ण जो शूद्रों का है, सेवकों का है, वो भी अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे, अपने धर्म का परित्याग करके पराई वेशभूषा धारण करके
भगवान का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, ब्राह्मणों का, संतों का, महात्माओं का जगह जगह जाकर के विरोध करेंगे, नया नया धर्म बना करके अपने पाखंड का प्रचार करेंगे। ऐसे जो कुत्सित प्राणी हैं, इनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, इनके जीवन का कल्याण कैसे होगा, कोई ऐसी कथा सुनाइए जिनसे इनके सबके पाप समाप्त हो जाएं, इनके सबके जीवन में भगवत भक्ति का संचार हो, इनके सबके जीवन में भगवान की अद्भुत कृपा हो, कुछ सुनाइए। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तिनम तथा मनसा मननम तस्य महाशाधनमोचते। भगवान ने ये जो हमको आपको श्रवण दिया है ना, याद रखिएगा, भगवान ने श्रवण दिया है तो श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कान भगवान ने केवल इसलिए दिया जितना हो सके हम आप सब शिव महापुराण की कथा सुने, शिव चर्चा सुने, राम नाम का जप करें, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, अपने इस कान को श्रवण रंध्र को हम आप सब भगवत भक्ति परायण बनाए। परंतु हम आप सब इस श्रवण से कथा नहीं सुन पाते, शिवपुराण नहीं सुन पाते, सत्संग नहीं कर पाते, इन अपने श्रवण में हम आप सब दुनिया भर का प्रपंच करते। याद रखना, भगवान ने ये जो कान दिया है ना कथा सुनने के, जिनके कान में, जिनके श्रवण में भगवान की भक्ति का संचार नहीं होता, भगवान की कथा में जिनके श्रवण लगते नहीं, उनके कान कान ही नहीं। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना तो श्रवण रंध्र अहि भवन समान, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिनके कान में कभी भगवान की कथा, भगवान की महिमा का संचार ना हो श्रवण रंध्र के द्वारा, उनके श्रवण श्रवण ही नहीं, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने होता है सर्व, भवन माने होता है घर, फिर ये कान कान नहीं है, सर्व के घर है। बोले भक्तो श्री भगवान की जय। सच यह है, भगवान ने श्रवण दिया है, केवल हरि कथा सुनो, हरि चर्चा सुनो, भगवान का भजन सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, बस। संसार के प्रपंच से अपने श्रवण रंध्र को हम आप सब दूर करें। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, भगवान ने जो वाणी दी है ना, ये केवल हरि गुणगान गाने के लिए, हम आप समझते केवल बस इधर उधर की बातें करते रहो, फालतू के प्रपंच के लिए, इधर उधर की चोरी चुंगली की बातें करने के लिए नहीं, भगवान ने वाणी दिया है, अगर हम आप सब कुछ बोले तो हरि गुणगान, केवल कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, इसके अलावा कुछ नहीं। वचसा कीर्तनम तथा, वाणी से केवल भगवान का कीर्तन हो। सूद जी कहते ऋषियों, मन भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में हमको आपको सबको समर्पित करना चाहिए, यही जीव के मुक्त होने का साधन है। जिसने मन वाणी कर्म से भगवत सेवा नहीं की, भगवान की भक्ति नहीं की, उसके जीवन का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान के नाम गुण लीला धाम का हम आवश्यक दर्शन करें अपने इंद्रियों के द्वारा, इसी से हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण होगा, अन्यथा हमारे आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। मैं आपको ऐसा पुनीत पवित्र ये श्री महापुराण की कथा सुना रहा हूं, इस कथा को सुनने से जीवन के जितने भी त्रास हैं, जितने भी दुख हैं, जीवन में जितनी भी दरिद्रता, वो सब समाप्त हो जाए। जैसे शिवपुराण की कथा, सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को तीर्थराज प्रयाग की धरती से सुनाने के लिए चले, ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक पहली बात दिमाग में आ रही है, एक प्रश्न उठ रहा है, कृपा करके इसका समाधान करके शिव कथा का प्रारंभ करें। कौन सा प्रश्न है? प्रायः जितने भी देवी देवता हमारे धर्म शास्त्रों में हैं, उनकी सबकी विग्रह की पूजा की जाती है, राम जी की प्रतिमा की पूजा होती, मूर्ति के रूप में राम मंदिर में जाया जाता है, भगवान विष्णु की भी प्रतिमा की पूजा हम आप सब करते, विग्रह की पूजा करते हैं।
कौन ऐसा कारण है कि देवादिदेव महादेव की उस प्रतिमूर्ति की पूजा, पूरे स्वरूप की विग्रह की पूजा कम होती है, ज्यादातर शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग की महिमा इतनी श्रेष्ठ क्यों है, कृपा करके बताइए। और इस शिवलिंग सर्वप्रथम कहां से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, ये कथा सुनने के लिए हमारा ये मन लालायित है। कृपा करके आप किस प्रसंग को विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी कहते ऋषियों आपने बड़ा अच्छा और उत्तम प्रश्न किया है, एकाग्रचित होकर के श्रवण पान करो कि सर्वप्रथम ये ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ। जो हमारे से रुद्राभिषेक कर रहे हैं ना, ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, लोग पार्थिव निर्माण करते हैं, नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं, या पारद का शिव बनाते हैं, या अस्फटिक का बनाते हैं, चांदी का बनाते हैं, बालू की, रेत की, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर के हर जगह जहां देखो वहीं हर घर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, शिवार्जन शिव पूजन आदि का कार्यक्रम जो चल रहा है, कैसे हुआ। सूद जी महाराज के दृश्यों ध्यान देकर के सुनो। सृष्टि का कर्म जब आगे बढ़ा ना, सृष्टि की चर्चा हम आप सब आगे कथाओं में करेंगे, परंतु जब भगवान श्री नारायण श्री हरि अथाह जल सागर में जब शयन कर रहे थे, तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं। क्यों? क्योंकि अकेले किसी का मन लगता ही नहीं, हमारा आपका मन अगर अकेले में कहीं बैठा दिया जाए नहीं लगता, हमारा ही आपका नहीं, हमारे घर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बालक है ना, इनको कहीं बैठाओ आंगन में अकेले बैठ जाओ, नहीं बैठे, मन ही नहीं लगता अकेले, चाहिए क्या, खेलने के लिए खिलौना चाहिए, कुछ चाहिए। भगवान श्री नारायण की इच्छा हुई मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुत श्यामा, तो भगवान ने जब मन में भाव प्रकट किया तो भगवान के नाभ से सुंदर एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ, विशाल कमल का पुष्प था, और उस कमल के पुष्प पर भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को लगा कि इस कमल के पुष्प पर ला करके मुझे कौन बैठा था। याद रखना, जब लोग ये प्रसंग सुनते हैं ना तो उनके मन में भाव आता है, क्या भगवान की नाभ से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, क्या यह हो सकता है किसी की नाभ से ब्रह्मा का प्रागट्य हो, भगवान विष्णु के नाभ से क्या यह संभव है। ज्यादा आश्चर्य मत कीजिएगा, भगवान श्री नारायण की नाभ से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ वो तो ठीक है, परंतु सच तो यह है सज्जनों कि हमारा आपका जितने लोग यहां बैठे हैं जिनका भी जन्म हुआ है, सबका जन्म अगर हुआ है तो मां की नाभ से ही हुआ है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, हमारा आपका भी जन्म मां की नाभ से होता है। आप कहोगे प्रमाण, प्रमाण यह है सज्जनों, जब किसी संतान का जन्म मां के गर्भ से जब होता है तो मां की नाल और जन्म लेने वाले जीव की संतान की नाल आपस में जुड़ी रहती है। पहले हमारे यहां गांव में छोटा सा कार्यक्रम, माताएं जब घर में बालक का जन्म हो या किसी का जन्म होता था तो गांव की कोई एक नारी आती थी जो उस नाल को काटती थी। हमारे यहां नाल छेदन के कार्यक्रम का विधान धर्मशास्त्र में बताया गया। अब तो ये सारा कार्य नाल वाल काटने का, ये जितना भी कार्य है ना ये सब हॉस्पिटल में हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। बोली भक्त वत्सल भगवान की, अब पहले जब गांव में संतानों का जन्म होता था तो नाल काटा जाता था। कारण क्या है कि मां की नाभ से ही सज्जनों हम संसार के समस्त मनुष्यों के जन्म होते हैं। तो अगर ब्रह्मा जी की जन्म की चर्चा में भगवान नारायण की नाभ से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया तो ज्यादा आश्चर्य आप मत कीजिएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, क्यों? क्योंकि भगवान को भगवान श्री नारायण की नाभ से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। अब भगवान श्री नारायण को हम आप सब पिता भी मानते हैं और मां भी मानते हैं, भाई बंधु सखा संबंधी सब मानते हैं,
प्रमाण, रोज यहां पर आरती होती है ना, तो हम आप सब गाते तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान को मां भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं अरे भगवान की नाभ से कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। याद रखना, भगवान को माता का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि भगवान के पास मां का गुण है। आप कहोगे कौन सा गुण? एक बहुत मीठी बात है, एकाग्रचित होकर के सुनिए। मां का क्या कार्य होता है? मां अपनी संतानों को 9 महीने तक गर्भ में धारण करती है। अब आप कहोगे क्या भगवान ने हमको आपको अपने गर्भ में धारण किया जो हम आप सब मां कहते हैं? सच बताऊं सज्जनों, हम आप सब 9 महीने नहीं परंतु पूरे जीवन काल ही भगवान के गर्भ में ही है। बोले भक्तवत्सल भगवान। आप कहोगे कैसे? प्रमाण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत छोटा सा मीठा सा प्रसंग है, मात्र 1 मिनट में आप लोग सुनेंगे पूरी बात समझ जाएंगे सज्जनों कि भगवान को मां क्यों कहा जाता है। आपने कथा सुनी होगी, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं इस मंच पर तो कई बार सुनने का अवसर मिला होगा, विगत कई वर्षों से सत्संग चल रहा है सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य लीला की थी और लीला ये की थी कि भगवान ने एक बार ब्रज रज को अपने मुख में धारण कर लिया था, ब्रज की मिट्टी को खा लिया था कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज की मिट्टी को खा लिया तो ब्रजवासियों ने देखा रे कन्हैया ने मिट्टी खाई। ब्रजवासी दौड़ करके कन्हैया का हाथ पकड़ के घसीटते हुए बलराम भैया के साथ लेकर के कन्हैया को यशोदा जी के पास, मैया मैया ये देखो ये देखो ये कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा नहीं मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। ती जितने ग्वाल बाल है ये बलराम ये सब तुम्हारा ये बड़ा भाई है ये सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने तुरंत कह दिया नाहम भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिसंशिना, ये सब मिथ्या बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी खाई नहीं है। अरे कन्हैया तूने मिट्टी नहीं खाई थी, ब्रजवासी कह क्या रहे हैं? भगवान ने कहा मां मैं सच बताऊं मैंने क्या किया है? यशोदा जी ने कहा कन्हैया तू अपने मुख से बता तूने क्या किया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा मां मैंने मिट्टी खाई नहीं है, मैंने अपने उदर में रहने वाले जीवों को ब्रजरज की मिट्टी खिलाई है। बोले भक्तवत्सल भगवान। मिट्टी तूने खिलाई है? भगवान ने कहा हां मां मैंने मिट्टी खिलाई है। माँ ने कहा तुम मुख खोल के दिखा तूने मिट्टी किसको खिलाई है? भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी के सामने जब अपने मुखमंडल को खोला सज्जनों तो कथा सब लोग सुने होंगे, पूरा ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के मुख में समाहित है, पूरी दुनिया समाहित है, जितने मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी लोग हैं सब हैं। अब मनुष्य पशु पक्षी की बात छोड़ दीजिए, पूरा ब्रजमंडल समाहित है, जितने ब्रजवासी हैं सब वो भी हैं। अब मैया यशोदा को भी अपना दिव्य दर्शन भगवान के उदर में हुआ, ग्वाल बालों के साथ हुआ। मां ने देखा ये मैं क्या देख रही हूं? भगवान ने कहा मां सच यह है मैंने अपने गर्भ में रहने वाले समस्त जीवों को इस ब्रजरज की मिट्टी प्रसाद के रूप में चखाई है। बोले भक्तवत्सल भगवान। मैंने मिट्टी खाई नहीं है, मैंने मिट्टी खिलाई है। भगवान ने अपने गर्भ में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा जी को करा दिया कि नहीं आप बताओ? अपने उदर में करा दिया कि नहीं? और मुझे लगता है इसलिए भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव मां कहा जाता है। पिता का गुण पहले से विद्यमान है क्योंकि जैसे पिता का कार्य है पालन करना वैसे भगवान श्री नारायण भी जगत का पालन करते हैं। जगत में ही हम आप सब हैं तो हमारा आपका भी पालन तो कर रहे हैं तो पिता का गुण आ गया। इसलिए सज्जनों
भगवान को माँ भी कहा जाता है, भगवान को पिता भी कहा जाता है। भगवान ने आज अपने दिव्य रूप का दर्शन करा करके दुनिया को बता दिया कि सारे संसार के जितने भी लोग हैं ये सब हमारे गर्भ में ही समाहित हैं। तो भगवान के नाम से कमल का पुष्प खिला, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी सोचने कि मुझे ला करके यहाँ कौन बैठा दिया। इधर उधर सोच रहे थे, सामने देखते यथा जल दिखाई पड़ रहा है। इधर दाहिने देखने का प्रयास किए, ब्रह्मा जी को एक मुख दाहिने हो गए, उधर भी जल दिख रहा है। बाएं देखने की इच्छा प्रकट किया, एक मुख बाएं हो गया। और उसके बाद ब्रह्मा जी को जब पीछे देखने की इच्छा हुई तो एक मुख पीछे हो गया, ब्रह्मा जी के चार मुख हो गया, ब्रह्मा जी चतुरानन हो। याद रखिएगा, चारों मुख से ब्रह्मा जी ने देखा, केवल और केवल चारों तरफ जल ही दिख रहा है और कुछ नहीं। अब ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं सृष्टि के आद्य का सबसे पहला पुरुष हूं, अब पूरी दुनिया मेरे बस में, मैं दुनिया के सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों में, पहली उत्पत्ति मेरी है, और तो कोई दिख ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ हूं। और जब ब्रह्मा जी को ये अपमान हुआ, ये अभिमान हुआ कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुरुष हूं, मेरे समान कोई बलशाली नहीं, मेरे समान किसी के पास ज्ञान नहीं, मेरे समान किसी के पास बुद्धि विवेक नहीं, ये जब अभिमान से ब्रह्मा जी पूरा भर गए ना, तो उस अथाह जल सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु से नहीं रहा गया, अरे मेरे द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई और यही अपने आप को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पुरुष समझ रहा है, सबसे बड़ा समझ रहा है। उसी समय सज्जनों भगवान विष्णु अथाह जल सागर से निकल करके बाहर आए और भगवान विष्णु ने कहा, इस संसार सागर को बनाने वाला हूं, तुम्हारा जन्म मुझसे हुआ, मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं मैं बड़ा हूं। श्री महापुराण की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से बड़ा बनने की ऐसी धारणा जीवन में आ गई कि बहुत विशाल घनघोर युद्ध ब्रह्मा और विष्णु में ही प्रारंभ हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान, घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। और सच बताऊं हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किसमें? ब्रह्मा जी में और भगवान श्री विष्णु जी में। इसके लिए संसार सागर का श्रेष्ठ ज्ञाता मैं हूं, विद्वान मैं हूं, मुझसे बड़ा विवेकवान, मुझसे बड़ा ज्ञानवान, मेरे मुझसे बड़ा शीलवान, पुरुषार्थवान कोई और है ही नहीं। संत जन भाव प्रकट करते हैं, सोच ही विधि हरी एक ही बार, 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 मौसम भी आकर के प्रकट हो गए विष्णु जी और ब्रह्मा और विष्णु में, मैं तुमसे बड़ा, तुमसे बड़ा, ये कह करके युद्ध प्रारंभ हुआ। हजारों वर्ष तक युद्ध चलता रहा। प्रसंग तो बड़ा दिव्य है सज्जनों, परंतु सायंकाल की कथा भी 7 बजे से प्रारंभ करनी है, इधर ज्यादा विलंब करेंगे उधर भी विलंब हो जाएगा। इसलिए श्री महापुराण की कथा में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा और विष्णु का जो युद्ध, घनघोर युद्ध चला सज्जनों, हजारों वर्ष तक चला। तो हम आप सब हजार वर्ष युद्ध न चला पाए तो 2 घंटे तक तो युद्ध करते हुए ब्रह्मा जी को विष्णु जी को छोड़ ही दी। बोली भक्तवत्सल भगवान, युद्ध के बाद कौन सा फल निकला, उसका फल क्या हुआ, कैसे युद्ध समाप्त हुआ और शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, ये सब आदि चर्चा हम आप सब रात्रि वेला की कथा में करेंगे। ठीक 7 बजे आप सबको इस पावन प्रांगण में पधारना होगा।
भगवान की अद्भुत कथा सुनने के लिए यही वाणी को विराम दे करके हमारे साथ दो बार भगवान के श्री पंचाक्षर मंत्र का जप करें, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। बिना आरती बिना प्रसाद के कोई भक्त यहाँ से जाएंगे नहीं। सब लोग हमारे साथ गुनगुनाएं, प्रेम के साथ मस्ती में झूम करके बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सावन महीने में पंचाक्षर मंत्र का जप अनंत गुणा फल प्रदान करता है। परिवार के सदस्यगण आगे आकर के भूत भावन भोलेनाथ की पावन मंगलमय आरती का आनंद प्राप्त करेंगे। आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे, बिना आरती बिना प्रसाद के कोई भक्त इस तरह धाम से जाएंगे नहीं। हरि ओम चंद्रमा सो जात सिखो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखाद गृहे अजायत। पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान सबके अहमन को
बतलाए हो जा पुनीत विषयों को जी हो जा पुनीत विषयों को जी और तन मन मावन कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए अपने अपने स्थान पर अर्ध प्रदक्षिणा आधा आप लोग घूमेंगे सीधा हो जाएंगे शिव जी की पूरी प्रदक्षिणा नहीं लगाई जाती आधी प्रदक्षिणा होती है आधा घूम के सीधा हो जाएंगे श्याम सदा शिवाय नमः बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो थोड़ा जयकार जयकार आप लोग तेज से लगाएंगे जिससे अयोध्या तक आवाज पहुंच जाए बोलिए अयोध्या धाम की जय हो तीर्थराज प्रयाग की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो अक्षयवट भगवान की जय हो पीणी माधव भगवान की जय हो चक्र माधव भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो राम सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो आए हुए सभी भक्तों की जय हो जो नहीं आए हैं उनकी भी जय हो जो सो रहे हैं उनकी भी जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर शोक हर आदि हर व्याधि हर जरादि हर 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 महादेव शांति 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 सुशांतिर्भवत सर्वारिष्ट शांतिर्भवत अपने अपने स्थान बैठ जाएं आगे आगे आरती पीछे पीछे प्रसाद बिना आरती बिना प्रसाद के कोई भक्त जाएंगे नहीं और कथा का समय ठीक